वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रोफेशनल स्किल्स पर। मैं नरेश गोस्वामी आज आपके सामने नया टॉपिक लेके आया हूँ जो सिविल इंजीनियरिंग और प्लम्बर ट्रेड पर आधारित है। वो उसका क्या नाम है, जो मटेरियल होते हैं सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल, फिलर मटेरियल है। फिलर मटेरियल क्या होता है? फिलर मटेरियल जैसे हम कोई भी मोर्टार बनाते हैं उसमें जो फाइन सैंड है उसको हम बोलते हैं फिलर मटेरियल। प्रिपरेशन ऑफ जब हम कोई भी मोर्टार बनाते हैं, चाहे वो सीमेंट कंक्रीट का सीमेंट का हो, चाहे वो लाइम का हो, उसमें प्रिपेयर करते हैं उसको, उसमें जो यूज़ इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं उसको बोलते हैं फिलर मटेरियल। फिलर मटेरियल सीमेंट मोर्टार का जो फिलर मटेरियल है वो होता है सैंड, फाइन सैंड होता है, जो बालू रेत बोलते हैं जिसको, वो होती है सैंड। सैंड अवेलेबल कहाँ से होती है, हमें कहाँ से मिलती है? रिवर से मिल सकती है, रिवर होती है जो उसकी तलहटी में वो नीचे बहा के रेत को साथ ले आती है, तो नीचे मैदानों में वहाँ से भी मिल सकती है, रिवर के जो बेड हैं वहाँ से मिल सकती है, कोई समुद्र है उसके किनारे पर हमें मिल सकती है फाइन सैंड। फाइन सैंड का यूज़ क्यों करते हैं? ये एक फिलर मटेरियल है, गैप को फिल करती है। मान लो कोई मसाला है सीमेंट का, उसमें अगर हम अकेला सीमेंट डालेंगे तो वो उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाएगी, वो एक्सपेंड होके फट जाएगा। और जो क्या नाम है, रेत है, वो है फिलर मटेरियल। जब टेम्परेचर एक्सपेंशन होती है उसमें जो सैंड है वो उसको फटने नहीं देती, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो डिफरेंसेस आते हैं, इफ़ेक्ट है, उनको रिमूव कर देती है, प्रोटेक्ट करती है मोर्टार को एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की वजह से, जो क्रैक आते हैं उनको नहीं आने देती। सैंड है जो रिवर और क्या नाम है सी से ये अवेलेबल होती है। बेस्ट जो फाइन सैंड है कौन सी होती है? जो इंडियन स्टैंडर्ड सीव नंबर 400 से पास हो जाए वो बेस्ट फाइन सैंड मानी जाती है। जो इसका मॉडुलस ऑफ सैंड है वो 2 से 3.5 तक होना चाहिए, मॉडुलस ऑफ सैंड है जो। नेक्स्ट है जो है वो होता है बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है? जब हम सैंड में पानी मिलाते हैं तो वो फूलना स्टार्ट हो जाती है। क्यों फूलती है? जो पानी के लेयर है, पार्टिकल्स हैं जो सैंड के, उसके ऊपर अपनी परत बनाना शुरू कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो फूलना स्टार्ट हो जाती है। जो उसकी वॉल्यूम है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है? ड्यू टू मॉइस्चर, मॉइस्चर की वजह से उसकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। बेस्ट कब होएगी, मैक्सिमम कब होएगी जो बल्किंग ऑफ सैंड है? जब इसमें वेट का 5%, टोटल वेट का 5% जब इसमें मॉइस्चर होगा तब बल्किंग ऑफ सैंड मैक्सिमम होगी। और जब इससे ज़्यादा अगर इसमें पानी डालते रहेंगे हम तो क्या होगा, एक लिमिट ऐसी आएगी जो इसके पार्टिकल हैं उसके चारों तरफ जो लेयर बनी है वाटर की, वो मॉइस्चर की, टूट जाएगी और वो जो उसकी वॉल्यूम है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी और वो फिर अपने इनिशियल वॉल्यूम पे आ जाएगी और मिनिमम वो हो जाएगी। तो ये था अपना बल्किंग ऑफ सैंड। क्या होता है बल्किंग ऑफ सैंड? इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू मॉइस्चर। नेक्स्ट है अपना सुर्खी। सुर्खी क्या होता है? ये भी एक फिलर मटेरियल है जो मोर्टार में हम डालते हैं। और इसका कहाँ से आता है? ये जो ईंटें होती हैं भट्ठों में, किलन में ईंटें बनती हैं, वहाँ पे जब आपस में ईंटें टकराती हैं एक दूसरे से, उसका चूरा इकट्ठा हो जाता है, उस चूरे को जो होता है चूरा उसको बोलते हैं सुर्खी, ब्रिक्स सुर्खी। जिस सुर्खी में 10 से 20% तक लाइम होती है वो बेस्ट सुर्खी होती है, और वो बेस्ट सुर्खी होती है, और जो बेस्ट सुर्खी होती है वो इंडियन स्टैंडर्ड सीव 30 से पास होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट है जो अपना वो है सिंडर। सिंडर मतलब ये भी एक फिलर मटेरियल है, फिलर मटेरियल है, मोर्टार में यूज़ किया जाता है। प्राप्त कहाँ से होता है? अपना जो इंडिया है उसमें ह्यूज क्वांटिटी में कोल है, कोल मतलब कोयला है, अवेलेबल है इंडिया में। और ये भी 30 नंबर सीव, इंडियन स्टैंडर्ड सीव है, उससे पास होना चाहिए, और ये भी कंक्रीट में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जो ऑब्जेक्टिव क्या है अपने
मिक्सर के ऑब्जेक्टिव क्या है, फिलर मटेरियल है, क्यों यूज़ किया जाता है फिलर मटेरियल। फिलर मटेरियल इसलिए यूज़ किया जाता है, एक तो ये स्ट्रेंथ बढ़ा देता है जो मोर्टार की, दूसरा क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो क्रैक आते हैं उनको नहीं आने देता। तीसरा है जो क्वांटिटी है मिक्स की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा देता है, क्वांटिटी मतलब मात्रा बढ़ा देता है मिक्स की। तो ये थे अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिक्स ऑफ फिलर मटेरियल, मतलब क्या उद्देश्य है मिक्स में फिलर मटेरियल डालने। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है फिलर मटेरियल में प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार। जो मोर्टार है उसका हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं, प्रिपरेशन मतलब कैसे वो मिलाया जाता है। जो पहले क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे सीमेंट हो गया और फाइन सैंड होगी, उनको ड्राई स्टेट में मिक्स करते हैं दो या तीन बार। उसके बाद उसमें हम पानी डालने के आधे घंटे बाद उसको यूज़ कर लेना चाहिए, नहीं तो उसकी स्ट्रेंथ वैसी नहीं रहती जैसी होनी चाहिए। तो जो मोर्टार है मान लो कोई भी, उसमें क्या होता है, सीमेंट होता है, कोर्स एग्रीगेट होते हैं, कोर्स एग्रीगेट मतलब इसमें फाइन और कोर्स दोनों, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट होते हैं बजरी, फाइन एग्रीगेट होता है रेता, सीमेंट हो गया। वाटर जब इसमें ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है पीसीसी, पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट। और जब उसमें हम स्टील बार मतलब सरिये का यूज़ कर लेते हैं तब बन जाता है वो आरसीसी। आरसीसी क्या होता है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बन जाता है जब उसमें हम स्टील बार का यूज़ कर लेते हैं। क्यों यूज़ करते हैं स्टील बार्स का, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होती है, गुड होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, और ये होता है कंप्रेशन में गुड और टेंशन में वीक होता है। तो इसकी इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए, इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए स्टील बार का यूज़ कर लेते हैं, तब वो बन जाता है रीइंफोर्समेंट कंक्रीट, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मोर्टार, कितने टाइप्स के मोर्टार होते हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट के हिसाब से अलग अलग तरह के मोर्टार होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। सीमेंट वाला हो गया, जो सीमेंट मोर्टार हो गया, सीमेंट प्लस फाइन सैंड जब उसमें डालते हैं तो वो सीमेंट मोर्टार होता है। इसकी अलग अलग रेशियो होती है, 1:3, 1:2, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8 यहाँ तक यूज़ कर लेते हैं। 1:3 की अगर कोई रेशियो है, 1:3 की रेशियो में क्या होता है, वन पार्ट होता है वो होता है सीमेंट, थ्री पार्ट होता है जो वो होता है रेता मतलब फाइन सैंड, एक पार्ट उसमें सीमेंट का होगा, तीन पार्ट उसमें रेते के होंगे, वो उसकी 1:3 की रेशियो बन जाएगी। दूसरा है लाइम, जब उसमें हम लाइम यूज़ करते हैं किसी भी मोर्टार में वो लाइम मोर्टार बन जाता है। थर्ड है गेज मोर्टार में क्या होता है, पहले चूने को मिक्स कर लेते हैं, फिर वो मिलाने के बाद उसमें सीमेंट यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है, उसका बॉन्ड अच्छा बनता है आपस में और जो हार्डनेस है मोर्टार की वो अच्छी बनती है, बनी रहती है। फोर्थ है सीमेंट कंक्रीट, जैसे ये बताया है सीमेंट फाइन सैंड और बजरी जब उसमें डालते हैं वो होता है सीमेंट कंक्रीट, पीसीसी भी बोलते हैं इसको। सेकंड है लाइम कंक्रीट, जब उसमें लाइम ब्रिक बेड्स सुर्खी यूज़ करते हैं वो होता है लाइम कंक्रीट, फाउंडेशन में और फ्लोर के बेस कोर्स में लाइम कंक्रीट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है रेशियो बताया, जैसे अलग अलग टाइप की रेशियो होती हैं, 1:3 का जो रेशियो है वो फाउंडेशन में यूज़ किया जाता है, जो 1:7 का है वो ब्रिक मशीनरी में यूज़ किया जाता है, 1:4 का रेशियो है पॉइंटिंग और प्लास्टरिंग, प्लास्टर जब करते हैं उसको प्लास्टरिंग बोलते हैं, टीप करते हैं उसको पॉइंटिंग बोलते हैं, उसमें 1:4 का रेशियो किया जाता है। जो रीइंफोर्समेंट कंक्रीट है आरसीसी है, जो उसमें 1:2:4 1 पार्ट सीमेंट का, 2 पार्ट फाइन और कोर्स
फाइन एग्रीगेट फोर पार्ट कोर्स एग्रीगेट बजरी यूज़ किया जाता है। तो बच्चों ये था अपना जो फिलर मटेरियल से रिलेटेड टॉपिक था, कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपनी जो सुजेशन है वो भी ज़रूर दें, उनका इंतज़ार रहेगा मुझे। नेक्स्ट है जो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, जो बहुत ही ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने अपनी पिछली जो वीडियो लेक्चर हैं उनके लिंक डाले हुए हैं, उससे आप देख सकते हैं अपनी जिस वीडियो को देखना चाहें देख सकते हैं। और जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आशा करता हूँ आज का वीडियो जो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों।